नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीएल 2018 से जुड़ी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली रेड डेविल्स की कि क्या है दिल्ली का पूरा स्क्वाड आईपीएल 2018 के लिए और कौन कौन से प्लेयर उन्होंने नए लिए हैं इस टीम के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, बहुत अच्छी दिल्ली रेड डेविल्स की टीम बनी है। यहाँ पर गौतम गंभीर तो आए हैं और आपको सबसे पहले बता दें कि टोटल 25 मेंबर का यहाँ पर स्क्वाड है दिल्ली का, जिसमें 8 जो है वो है विदेशी खिलाड़ी और 1.6 करोड़ रुपए अभी भी उनके पर्स में है बाकी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैट्समैन की, तो टोटल 8 बैट्समैन है इनके पास। 2 इन्होंने रिटेन किए थे, सबसे पहले ऋषभ पंत जिनको दिए इन्होंने 11 करोड़ रुपए और उनके बाद श्रेयस अय्यर जिनको इन्होंने दिए 7 करोड़ रुपए। इसके बाद ऑक्शन में इन्होंने खरीदा एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी जो कि करने वाला है दिल्ली रेड डेविल्स की कप्तानी, वो है दोस्तों गौतम गंभीर, जो इन्हें मिले हैं सिर्फ 2.8 करोड़ रुपए में। और दोस्तों जस्टन रॉय को इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। उनके बाद कोलिन मुनरो जिनके ऊपर लग रहा था कि काफी तगड़ी बीटिंग होने वाली है, उनको भी इन्होंने सिर्फ 1.9 करोड़ रुपए में अपनी टीम में रखा है। दोस्तों अंडर 19 के कप्तान पृथ्वी शाह को यहाँ पर 1.2 करोड़ रुपए में और दोस्तों मनजोत कालरा को 20 लाख और नमन ओझा को यहाँ पर 1.4 करोड़ रुपए में खरीदा है दिल्ली रेड डेविल्स की टीम में। तो ये है दोस्तों 8 बैट्समैन दिल्ली की टीम में। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की, तो दोस्तों ऑलराउंडर्स भी 8 है टीम के पास। सबसे पहले रिटेन किया था इन्होंने क्रिस मॉरिस को जिनको मिले 15 करोड़ रुपए और दोस्तों इनके बाद इन्होंने किंग्स 11 पंजाब के ग्लेन मैक्सवेल को यहाँ पर 9 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। दोस्तों डैनियल क्रिश्चियन भी 1.5 करोड़ रुपए में खरीदे गए, बड़ी बीटिंग करी इन्होंने विजय शंकर के ऊपर 3.2 करोड़ रुपए की, हर्षल पटेल को सिर्फ 20 लाख रुपए में, गुरकीरत सिंह को यहाँ पर 75 लाख रुपए में, जयंत यादव को 50 लाख रुपए में और अभिषेक शर्मा 55 लाख रुपए में। तो 2-4 बड़े नाम है ऑलराउंडर्स के अंदर, ये थे टोटल 8 ऑलराउंडर्स। अब बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो काफी तगड़े बॉलर है टीम के पास। मोहम्मद सामी जिनके ऊपर किया था आरटीएम कार्ड का यूज 3 करोड़ रुपए में, उनके बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका के रबाड़ा जिनके ऊपर भी आरटीएम कार्ड का यूज किया था 4.2 करोड़ रुपए में, अमित मिश्रा को यहां पर खरीदा इन्होंने 4 करोड़ रुपए में और ट्रेंट बोल्ट यहां पर न्यूजीलैंड के 2.2 करोड़ रुपए में, शहबाज नदीम जो दोस्तों बहुत अच्छे बॉलर है 3.2 करोड़ रुपए में, राहुल तेवाटिया के ऊपर 3 करोड़ रुपए लगाए यहाँ पर, संदीप लमी छाने के ऊपर 20 लाख, आवेश खान 70 लाख और सायान घोष के ऊपर 20 लाख रुपए। ये थे टोटल 9 बॉलर दिल्ली रेड डेविल्स के स्क्वाड में। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी दिल्ली रेड डेविल्स की टीम, 25 मेंबर है टोटल, 8 है इनके पास फॉरनर्स, काफी अच्छी टीम बनाई है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कप्तान मिल चुका है दिल्ली रेड डेविल्स को गौतम गंभीर के रूप में। तो दोस्तों देखना होगा कि क्या कमाल कर पाती है दिल्ली रेड डेविल्स आईपीएल 2018 में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, दिल्ली का ये स्क्वाड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप हमें बता सकते हैं कि क्या दिल्ली रेड डेविल्स कुछ कमाल कर पाएगी आईपीएल 2018 में इस स्क्वाड के साथ, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को दिल्ली रेड डेविल्स के हर फैंस के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए आईपीएल 2018 से रिलेटेड, आईपीएल 2018 ऑक्शन से रिलेटेड प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।